अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज ही हमारी 20वीं सहरी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो 3:30 बजे की टाइम उठी और मैंने अपना चिया सीड्स वाला पानी लिया, ठीक है, 1 स्पून मैंने भिगो के रख दिया था। अभी अच्छे से फूल गया है, अब इसे ऐसे ही ले लूँ रूम टेम्परेचर वाले पानी में। उसके बाद मैंने लिया अपना एग, लिए थे 2 एग थे, साथ में 2 ब्राउन ब्रेड देसी घी से सिके हुए और साथ में मिल्क टी, इसके अंदर मैंने ब्राउन शुगर ऐड करी है। अच्छा, मैं अपनी सहरी में रोटी भी खाती हूँ बट आज मन नहीं था तो इसलिए नहीं लिया। चलो इफ्तार टाइम का दिखा देती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। तो मैंने यहाँ पानी लिया, साथ में बहुत सारा फ्रूट चाट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें चाट मसाला और 2 स्पून हनी, और ये मेरा और फैसल का है ये, ठीक है। इसमें 2 केले हैं, थोड़ा सा पपीता, अमरूद और 1 कीवी, ये क्वांटिटी है। फिर जी देखो जी, मैंने बच्चों के लिए मलाई टिक्का बनाया था बट मेरे को नहीं खाना, इसमें मक्खन वगैरह बहुत ज़्यादा डलता है। तो फिर मैंने क्या करा, खाली जो चिकन जो रोस्ट करते हैं ना, जैसे ग्रिल करते हैं, तो मैंने अलग से निकाल लिया था, और ये बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मैं घर में ही बना के दे देती हूँ। और अगर आप भी बनाएं तो अपना चिकन रोस्ट निकाल लें, ठीक है। अच्छा, 0 ऑयल में मैं करती हूँ ये। तो स्मूदी बनाई थी इफ्तार में, मैंने नहीं ली थी, ज़्यादातर मैं बाद में ही लेती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। और ये अब देखो मेरा आज का डिनर, ठीक है, 2 पीस मैंने चिकन के लिए हैं। फिर जी देखो खाना खाने के बाद फिर मैंने देखो चाय नहीं पी थी रोज़े के बाद, मैंने एक स्मूदी ले ली थी, तो मैंने अब बना ली चाय डिनर करने के बाद। तो 9 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर अपनी चाय ले रही हूँ, और भाई चाय के बगैर मेरा नहीं चलता, ना ही सेहरी में ना ही इफ्तारी के बाद। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन कंप्लीट करती हूँ। एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी अस्सलाम वालेकुम। और देखो जी आज 21 रोज़े हो गए, 21 हुए शायद। तो आज 21वां रोज़ा था और पूरा दिन का मैंने दिखा दिया कि मैंने सहरी से इफ्तार तक क्या क्या लिया है। और वेट देखो मैंने आज चेक नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने 1 स्पून केक खाया था और थोड़ा सा आलू और कीमे की तायरी खा ली थी, तो मुझे डर था कि मेरा वेट गेन ना आए 2 स्पून मीठा खाने से भी, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है केक में। और जी चलो इंशाल्लाह कल मैं वेट चेक करूँगी और कोशिश करूँगी डेली का वेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बस आज से ठान ली कि बस बहुत अच्छे से हेल्दी वाली डाइट करनी है, कोई चीट मील नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से लग जाना है वेट लूज़ करने में, ठीक है। और जी शुरू में मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, अभी 3-4 दिन से मेरा थोड़ा ऐसी रहा गड़बड़ी। और रोज़ाना का वेट अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी और अच्छी वाली डाइट करेंगे हम, और वेट भी इंशाल्लाह डेली का ही दिखाऊँगी। चलो अभी मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, बाहर के नंदगे जा रही हूँ, वहाँ जाके मिलती हूँ आपसे, और वहाँ पर जैसा भी होगा जो भी होगा आपके साथ में शेयर करूँगी। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, उनके अंदर क्या था, चलो आगे बात करती हूँ, बाय। देखो जी पहले मैं गई सबसे बड़ी वाली नंद के यहाँ, तो यहाँ कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी नंद की बेटी ने, तो मैंने एक मग वीए ले लिया था। और क्योंकि आपको पता होगा मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये ले ली थी, इसमें शुगर भी ऐड थी। तो जी मैं आई हूँ अभी दूसरी वाली नंद के, पहले मैं बड़ी नंद के गई थी, अब आई हूँ 3 नंबर वाली नंद के। और देखो उन्होंने भी नाश्ता लगा दिया, मैंने मना करा था इनसे बिल्कुल मत लगाना और लगा दिया, मैंने इनसे बिल्कुल मना करा था लेकिन इन्होंने बाज नहीं आई, इन्होंने लगा दिया कि काफ़ी टाइम बाद आई हो, सालों बाद, तो चलो कोई नहीं खा लो। तो वही जो होता है मिक्सचर बिस्किट्स वगैरह वॉलनट्स वगैरह, और इन्होंने देखो क्या करा, कोल्ड ड्रिंक मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने पिलाई है, बड़ा वाला ग्लास, अब मैं क्या करूँ। चलो आ गई मैं, और देखो जो भी लोगों ने नाश्ता कराया मैंने कर लिया, अच्छा लगता मेरे को, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब इंशाल्लाह कल से जुट जाना है इससे डाइट करने में, क्योंकि आप भी डिमोटिवेट हो रहे हो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से खा रही हूँ, तो इंशाल्लाह कल से बहुत स्टिक वाली डाइट को हम करेंगे, मतलब डाइट के हेल्दी खाएंगे घर का सिंपल। वैसे शाम तक तो अच्छा ही चला, अब ये कि कहीं जाते हैं तो वहाँ तो हो ही जाता है। चलो कोई नहीं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो कल बर्थडे था मेरा, बच्चों ने गिफ्ट दिया था जो सूट था, वो दिखाती हूँ थोड़ी देर में। देखो जी 21वीं सहरी हो गई है और मैंने सोचा चलो इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं ये वाला व्लॉग भी। तो 3:30 बजे वही सेम टाइम एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, और हमेशा लेमोनी ड्रिंक को मैं चेंज कर करके ही लेती हूँ ताकि मेरी बॉडी को एक ही चीज़ की आदत ना पड़े। वैसे एप्पल साइडर विनेगर है, 1 महीने के लिए आप कंटिन्यू रखेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करती है, टमी को फ्लेट भी करती है, जब कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा तो वेट
गेन कैसे होगा? हाई कॉन्स्टिपेशन जिसे होता है उसका भी कभी कभी वेट लूज नहीं होता, नेक्स्ट डे गेन ही जाता है। उसके बाद जी देखो, मैंने चिकन का सालन बनाया था, चिकन शोरबा, बिल्कुल कम घी में मैं बना रही हूँ आजकल, सबको ऐसे ही खिला रही हूँ। आपको दिख रहा होगा देखो, हल्की हल्की बस शाइनिंग आ रही है सालन में। और एक मैंने तंगड़ी ले ली थी और एक रोटी के साथ अपनी सेवई ख़त्म करा। उसके अलावा दूसरी चीज़, और हाँ मैं चाय ज़रूर लेती हूँ अपनी सहरी में। आपने डे वन से देख रखा होगा मेरे को चाय, जैसे ब्रेकफास्ट में चाहिए होती है ऐसे मुझे सहरी में चाय चाहिए होती है मग भर के। और इसमें मैं ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ 1 स्पून, ठीक है? और आज थोड़ी ज़्यादा ही ले ली थी, इतना बड़ा मग भी नहीं लेती। चलो वेट दिखा देते हैं भाई देखो मैं 5:45 बजे 5:30 बजे अपना वेट चेक करती हूँ। मेरा वेट जो आता है 73.15। ये आई एम सो हैप्पी। चलो मैं फैसल का भी दिखा देती हूँ आपको, फैसल की वेट लॉस जर्नी चल रही है। तो फैसल का जो आज का वेट था 93 पूरा, ना ऊपर ना नीचे तो फैसल की भी जर्नी अच्छी चल रही है, उन्होंने भी 7 किलो कम कर लिया है इन रमज़ान में। और जी चलो अब इफ्तार टाइम का दिखा दूँ। देखो एक कटोरा भर के मैंने पानी लिया है और साथ में है फ्रूट चाट और एक खजूर, ठीक है? और बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह और पकोड़े भी फ्राई करवाए थे। जब से डॉक्टर ने बोला है तो मैं बच्चों को कभी कभी दे रही हूँ फ्राई वगैरह, ठीक है? और कचालू में वही अमरूद, पपीता और केला, केला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और संतरा एक आध फाक मैंने ऐसी डाल ली। फिर जी चलो जब नमाज़ पढ़ ली उसके बाद बनाई अपनी चाय, जो कि मुझे अफ्तारी के बाद चाहिए होती। मुझे क्या ज़्यादातर लोगों को चाहिए ही होती है क्योंकि मुझे सक्सेस से एनर्जी मिलती है। फिर चलो डिनर 8:30 बजे के टाइम मैंने कर लिया था। उसमें मैंने दाल चावल बनाए थे, मूंग मसूर की दाल थी और साथ में बॉइल्ड राइस। और अब्बू कर अपने में खाली बॉइल करती हूँ, बाकी इन लोगों के कुकर में बनाती हूँ, तो इस तरीके से। और ये 12 टेबल स्पून राइस है। अब बची है नाइट ड्रिंक, वो लूँगी मैं ज़ीरा टी। चलो पूरी वीडियो यही थी, पसंद आए तो मेरी जर्नी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलो कल मिलते हैं डे 22 पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो, अपने साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।